हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, कल से एक बैच शुरू हो रहा है हमारा, दैट इज 2 फरवरी से, आईडीटी का कंप्लीट क्वेश्चंस बैच। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि आईसीआई के अब तक आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, लेट इट बी आरटीपी, एमटीपी, ठीक है, या फिर आईसीआई के मॉडल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वी विल डू इट। ड्यूरेशन विल बी अराउंड 12 to 15 days। पर्पज यही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप कोई सही पेपर क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप खाली प्रोविजंस पढ़ लोगे, ठीक है, आप कहीं से भी आपने पढ़ाई करी होगी, जो भी सीन रहा होगा, ठीक है, या फिर आपने मेरे से भी पढ़ा होगा, तो मैंने तो क्लास में क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी प्लस के स्टूडेंट हैं हमारे, जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं या फिर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उन लोगों को तो देखना ही देखना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज मस्ट। अगले जो 10 से 15 days के बीच में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर, वो नेक्स्ट लेवल होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा वो रिकॉल हो जाएगा आपको, दूसरा मैं साथ के साथ आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई चैप्टर एग्जामिनेशन आईटीसी, जिनमें आप खाली प्रोविजंस पढ़ लो, कोई सेंस नहीं है जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हो, तो वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने बैच ऑलरेडी परचेज कर रखा है, उनको तो देखना ही देखना है, कोई डाउट ही नहीं है। जो लोग लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी 20% ऑफ चल रहा है अकेडमी पे, 1st और 2nd फेब को। ठीक है, उसके बाद हट जाएगा, आप सोच रहे हो उसके बाद एक्सटेंड होगा, उसके बाद नहीं होगा एक्सटेंड। ठीक है, जनवरी के ऑफर थे, जनवरी मंथ ऑफ ऑफर था वो। ठीक है, अब फरवरी तक, 2 फरवरी तक एक्सटेंड किया है इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, कोई सा भी। अब जो आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चंस बैच अब ज्वाइन किया, अब आपको जो हमारा आएगा ना फास्ट ट्रैक बैच, भी 15 फेब से 20 फेब के बीच में आ जाएगा, उसका भी एसेस मिल जाएगा आपको। जो ऑलरेडी बैच चल रहा है, फुल कोर्स बैच, इट इज़ अबाउट टू एंड, मतलब एंड ही हो गया है, बस कुछ सी कैटेगरी के टॉपिक्स बच रहे हैं, ठीक है, वो भी एसेस मिल जाएगा। तो आपको सबका एसेस मिल जाएगा, आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ग्रुप 1 का भी मिल जाएगा, बाकी ग्रुप 2 का लेते हैं तो ग्रुप 2 के बाकी सब्जेक्ट्स का भी एसेस मिल जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है, कि इस बैच को जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी 15 से 20 मार्क्स का इंक्रीज होगा। आपको समझ में आएगा कि आईसीआई कैसे नंबर देता है। ठीक है, लिखते तो हम सब हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि यार आज 60 मार्क्स आने चाहिए, 70 मार्क्स आने चाहिए, 65 मार्क्स आने चाहिए, बट आते हैं 45 50। डिफरेंस क्यों आता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्वेश्चन करा है, आपका भी आंसर सही है, बगल वाले का भी आंसर सही है, ठीक है, बट द वे ऑफ राइटिंग, आप किस तरीके से लिख के आते हैं, और आईसीआई किस तरीके से नंबर देता है ना, वो आपको पता नहीं है। तो वो चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा कि भाई कैसे आंसर लिखना है, आईसीआई में कैसे प्रेजेंट करना है। आंसर बहुत बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। उसी क्वेश्चन में किसी को 4 में से 4 मिल जाते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। ठीक है, तो हम जो प्रेडिक्ट करते हैं और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, उसमें बहुत वेरिएशन आ जाता है, यही रीज़न है इसका। ठीक है, इसलिए बैच निकाला है मैंने स्पेशली फॉर क्वेश्चंस। तो कल 12 बजे मिलेंगे, 2 फरवरी को क्लास होगा, 2 फरवरी के बाद अगला क्लास 5 फरवरी को होगा, 5 फरवरी को 2 क्लासेस होगा, फिर रेगुलरली चलेगा वो क्लासेस। ठीक है, इसलिए मैंने 15 डेज बोला, क्योंकि 2 दिन मैं बीच में गायब रहूंगा ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन। आई होप यू विल एन्जॉय दिस बैच, एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप होगा। और इन केस आप किसी क्वेश्चन, किसी चैप्टर के अंदर आपको लग रहा है ना कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो आपके पास सारा असेस है, आप क्लास जाके देख सकते हैं, उस रेस्पेक्टिव टॉपिक की क्लास देख सकते हैं, आपके पास तो सारा असेस रहेगा, आपके पास ग्रुप्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं या लेंगे ना, कोड आप बिल्कुल सही लगाना, कोड सिर्फ और सिर्फ AKG10 ही लगना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोड AKG की जगह कोई दूसरा लगा देते हैं, AKG10 छोटा सा कोड है, कोड नहीं लेंगे तो नुकसान क्या होगा ये बता देता हूँ। कोड लेने के बाद आपको एक ग्रुप का असेस मिलेगा, जिसके अंदर आपको बुक्स, क्वेश्चन बैंक, इन सब का असेस मिल जाएगा आपको। साथ में जो लोग AKG10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेंगे, उन लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, एक मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, और उनकी कॉपीज आपको CSD चेक करके देंगे। ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी पूरी। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट MCQs की PDF मिलेगी, और साथ के साथ जितने भी डाउट्स वगैरह हैं आपके, वो इंस्टेंट बेसिस पे सॉल्व करेंगे, वो भी एक CS का पैनल बना रखा है हमने, तो उस पैनल के अंदर आपको वो इंस्टेंट डाउट सॉल्व कर देंगे। ये सारे बेनिफिट्स आपको AKG10 के बाद ही मिलेंगे। तो बुक हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गया, ये आपके मॉक टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोड सही लगाना, AKG10। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।